الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بزرگو بھائیو اور عزیزو, मोहतरम ख़वातीन, माओं, बहनों, बेटियों, इस वक्त आपके सामने सूरह तौबा की एक आयत की तिलावत की गई है। इसमें बताया गया है मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो उन्हीं का काम है, जो अल्लाह पर और आखिरत पर उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, नमाज के पाबंद हैं, ज़कात देते हैं और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, यही लोग राह रास्त पर हैं। दोस्तों और साथियों और मोहतरम ख़वातीन, इससे मालूम हुआ कि मस्जिदों का आबाद करना, मस्जिदों की तामीर करना, मसाजिद को आबाद करने का मतलब क्या है? उसकी जो ज़रूरियात हैं वो तमाम ज़रूरियात पूरी करना। जैसे आप देख रहे हैं कि चटाइयाँ बिछी हुई हैं, बाकी सफाई का उसका अहतमाम होना चाहिए, गंदगी ना होने पाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मस्जिद में अगर कोई तिनका पड़ा हो और आदमी उठाकर उसे बाहर फेंक दे या कूड़ेदान में डाल दे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि फरिश्ते उसके नामे आमाल में लिखते हैं उसे कि अल्लाह के बंदे ने मस्जिद से ये तिनका हटाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इतने सीधे थे, बहुत नेक। एक साहब आए और उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो इस्तिंजा करने लगे, पेशाब करने लगे और लोग दौड़े कि भाई ये क्या हरकत कर रहे हो तुम। आपने फरमाया नहीं, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। और फिर वो फारिग हो गया तो आपने कहा कि इसे धो दो, साफ कर, और उसे समझाया कि मस्जिद इस काम के लिए नहीं है, उसके लिए अलग इंतजाम है। तो ये सारी चीजें मस्जिद को आबाद करने का हिस्सा है। मस्जिद उम्मत का दिल है। आप जानते हैं कि इंसान का दिल मुस्तकिल हरकत में रहता है, मुस्तकिल धड़कता रहता है और पूरे जिस्म को खून फराहम करता है, जिंदगी आती है उससे। अगर वो एक लम्हे के लिए अपनी हरकत बंद कर दे तो रिश्ते हयात कट जाए, आदमी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मस्जिद भी दिल है उम्मत का। इससे कटने के बाद फिर उसकी दीनी जिंदगी बाकी नहीं रह सकती। याद रखिए, मस्जिद से जितना ताल्लुक आपका मजबूत होगा, अल्लाह ताला से कुर्बत इतनी ही बढ़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। मस्जिद के तसव्वुर के साथ हमारा ख्याल होता है कि यहाँ इबादत होगी, जिक्र अस्कार होंगे, अल्लाह को याद किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मस्जिद का एक मकसद यह है कि दीन का इल्म आम हो, यहां से दीन का इल्म फैले, लोग जाने कि अल्लाह का दीन क्या है। जो लोग
मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, उसकी बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैगंबरों का काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने किया, उनसे बड़ा मकाम किसका होगा। आपने फरमाया जब लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और उसकी हिकमतों और मसलहतों को जानने की कोशिश करते हैं तो फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह के यहां जिक्र होता है कि देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त और साथियों, मस्जिद को इल्मे दीन का मरकज होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें अर्ज की गई हैं उनको याद रखें और मस्जिद को इल्म का, खिदमत का, दुनिया के कामों का मरकज बनाएं और यहाँ सब लोग जमा हों, अपने तमाम इख्तलाफात को भूल कर। अल्लाह ताला मेरी और आपकी मदद फरमाए।